कोरोना काल में प्रदेश के हजारों कर्मचारी स्वास्थ्य कर्मचारी मांगों के समर्थन में विरोध जता रहे हैं। काले रिबन बाजुओं पर बांध कर उतर क्वारंटाइन में बफर जोन में ड्यूटी के साथ जता रहे हैं विरोध। स्वास्थ्य कर्मचारी संघ संबंधित भारतीय मजदूर संघ आज प्रदेश भर में अपनी मांगों के समर्थन में विरोध जता रहा है। हालांकि कोरोना काल के चलते उनके द्वारा अपनी ड्यूटी को मुस्तैदी से निभाया जा रहा है। इसके चलते टोहाना में स्वास्थ्य कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर क्वारंटाइन व बफर जोन क्षेत्र में भी पहुंचे, अपने कार्य को प्रतिदिन की तरह अंजाम दिया, पर साथ में उनके द्वारा अपना विरोध जताते हुए अपनी बाजुओं पर काला रिबन भी बांधा गया। इसके बारे में अधिक जानकारी देते हुए स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के प्रदेश महासचिव रमेश कुमार ने बताया कि कर्मचारी पिछले लंबे समय से अपनी मांगों के समर्थन में लगातार आवाज उठाते जा रहे हैं, परंतु कोई समुचित हल नहीं निकल रहा, जिसके कारण अब उन्हें विरोध का रास्ता अपनाना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश भर में कर्मचारी विरोध नीतियों को लेकर कर्मचारी मुखर हो रहा है। सभी जिलों में सभी शहरों में आज विरोध हो रहा है। आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों को हटाया जा रहा है, जो ठीक नहीं है। वेतन विसंगतियों को लेकर विरोध जारी है, पर कोरोना काल में देशहित में काम भी किया जा रहा है। हजारों कर्मचारी प्रदेश में हड़ताल कर रहे हैं। अब सरकार अब भी अपनी नींद से नहीं जागी तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। देखिए, पूरे प्रदेश भर में सरकार की जो कर्मचारी विरोधी नीतियाँ हैं उनके खिलाफ स्वास्थ्य कर्मचारी संघ हरियाणा संबंधित भारतीय मजदूर संघ के आह्वान पर आज पूरे प्रदेश भर में सभी जिलों में सभी वर्गों के कर्मचारियों द्वारा काले बिल्ले लगाकर रोष प्रकट किया जा रहा है, क्योंकि सरकारी की कर्मचारी जो विरोधी नीति है वो कर्मचारियों के हित में नहीं है। आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों को 3125 के आसपास कर्मचारी हैं, आउटसोर्सिंग के जो सिक्योरिटी गार्ड हैं उनको हटाने का फरमान दिया गया है। आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों को हटाया जा रहा है और आउटसोर्सिंग में ठेकेदार और कंपनी को एक बिचौलिया का रूप में सिर्फ शोषण करने के लिए रखा है। हम इसका विरोध कर रहे हैं और नेशनल हेल्थ मिशन के कर्मचारियों को सातवां वेतन, वेतन विसंगतियां और बहुत सारी ऐसी मांगे हैं जो आज तक सरकार सुन नहीं रही है। लेकिन फिर भी हम इस कोरोना रूपी वैश्विक महामारी के दौरान कर्मचारियों का देश के प्रति देश के हित में काम करते हुए आज हम रोष प्रकट कर रहे हैं। तो कितने आपके कर्मचारी हैं जो आज विरोध प्रदर्शन? देखिए, पूरे हरियाणा भर के सभी जिलों में हजारों कर्मचारी हैं। मैं गिनती नहीं बता सकता, मेरे गिनती के आंकड़े मैं नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा कि 14-15 हजार कर्मचारी आज पूरे हरियाणा भर में रोष प्रकट कर रहे हैं, ताकि यह सरकार जागे सोई हुई नींद से और कर्मचारियों के हित में फैसले ले। हम कर्मचारियों को संगठित करके बड़े आंदोलन के रूप में रूपरेखा तैयार करेंगे यदि सरकार कर्मचारियों के हित में फैसले नहीं लेगी। कितने दिन इंतजार करेंगे इस बात के लिए? हम अब कर्मचारियों की ये जो लॉकडाउन के दौरान पहले बंद था, अब थोड़ा खुला है, कर्मचारियों की बैठक बुलाकर जल्द ही फैसला लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, A1 हरियाणा।